के राजा यहां महान कुंभ और उस कुंभ के भीतर श्री गुरु काशी कुंभ शिविर मेला ऐसा है जैसे कुंभ का शिखर है। यहां बड़ी कृपा है मंच पर स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी विराजमान हैं, सुधांशु जी महाराज मंच की गरिमा यहाँ बनाए हुए हैं, ऋषिकेश से पहुंचे हुए वैरागी संत महापुरुष मंच की शोभा बना रहे हैं, वान्य संत वृंद उन्हीं के चरणों में नमन जो इस महान वातावरण में यहाँ के जिज्ञासुओं के दर्शन कर रहे हैं। महाराज श्री रमनती जी महाराज ने इस कुंभ के वातावरण में बहुत सारी सेवाएं यहाँ चल रही हैं, अलग अलग तरह की सेवाएं जैसे मेडिकल कैंप चल रहे हैं। सबसे बड़ा ये है कि प्यार का एक वातावरण जो यहाँ सिर्जा जा चुका है, बहुत सी सुंदर सत्संग कथाएं के रूप में हमें सबको श्रवण करने के लिए यह प्राप्त है। अभी अभी सुबह के सत्र में स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी गीता ज्ञान की अमृत वर्षा कर रहे थे, उसके पहले रमेश भाई जी पुंडरीक जी और यहाँ इसी मंच पर ही स्वामी रामदेव जी भी आए, उन्होंने योगा की बहुत सुंदर वातावरण यहाँ सृज दिया। वास्तुत्व ये है कि जब महाराज स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी पावन गीता का अमृत वर्षा करते हैं तो सत्य ये है कि वास्तविक योग उस समय शुरू होता है। स्वामी रामदेव महाराज जी वो योग से पहले की एक स्थिति है कि हम तैयार हो जाए वास्तविक योग के लिए। यदि हम योग का इतिहास देखें ये बहुत पुराना इतिहास है। हमारे जैन धर्मों के ग्रंथों में बौद्ध धर्मों के ग्रंथों में योग का बड़ा प्रिय वर्णन है। वेदों में खासकर के ऋग्वेद में बड़े सुंदर उल्लेख हैं जो योग के लिए बड़ा प्यार भरा संदेश दे रहे हैं। हमारी पुरातन सिंध घाटी की सभ्यता को यदि हम ध्यान से देखें तो उसमें योग के बड़े ही सुंदर प्रारेख मिल रहे हैं। योग की यदि हम परिभाषाएं देखें तो बहुत सी परिभाषाएं हैं, मगर उन सब परिभाषाओं का भावार्थ एक ही मिलता है। पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। योग वशिष्ठ कहता है कि संसार के ये क्रियाकलाप से बाहर जाने का कोई भी उपाय वो योग है। वेदांत यहां तक स्पष्ट करता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। अगर हम योग के प्रकार देखें तो पावन गीता के अध्याय सुबह महाराज श्री दस रहे थे बता रहे थे ना कि विशासनी अध्याय योग से जुड़े हुए हैं, पावन गीता भी योग शास्त्र है। जैसे विषाद योग फर्श से डिगी हुई अवस्था को अर्श तक पहुंचा देने वाला ऐसा योग,
योग के प्रकार यदि हम ध्यान से देखें तो बहुत से प्रकार हैं, जैसे मंत्र योग, हठ योग, लय योग, जिसको कुंडलनी योग भी कहा जाता है, चित्त का असीम में लय हो जाना, राज योग, जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारण, प्रतिहार और ध्यान, समाधि अष्टांग हैं ये योग के। और ये सारा वातावरण योग का इतना है, अगर हम आगे बढ़े तो भक्ति योग, जिसमें इतनी प्रेम भावना में बहता है भगत, और उसके आगे आ जाता है ज्ञान योग। महाराज श्री पहुंच चुके हैं, उनके आने से मुझे लगता है कि शक्ति अब मुझे मिलनी शुरू हो। मैं पहले रमणती जी महाराज यहां विराजमान होने जा रहे हैं।